حي على الصلاح حي على الصلاح حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد يا ايها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان خير الحديث كتاب الله wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bidah wa kullu bidatin dalalah wa kullu dalatin finnar a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahir rahmanir rahim qala Allah tabaarakata bi kalamil majid ar rahman allamal qur'an khalaqal insan allamahul bayan asyamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan was samaa'a rafa'aha वादोल मीज़ान सदाकल्लाहुल अलीउल अज़ीम। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, मैं आज आपके सामने में कुरान से दो चार कलमे इरशाद फरमाएंगे, वो भी सूरा रहमान से। अल्लाह तबरक ताला कुरान क्यों नाजिल किया है? सिर्फ इसलिए नहीं नाजिल किया कि हम उसको तलावत करेंगे और ताक में रख देंगे, बल्कि अल्लाह तबरक ताला इस कुरान में ऐसा ऐसा बातें बयान फरमाया जो हमारे लिए दुनिया के ज़िंदगी में भी काम में आएंगे और आखिरत के ज़िंदगी में भी काम में आएंगे। कुरान बहुत ही फ़ायदेमंद किताब है। अल्लाह तबरक ताला इतना बेहतर किताब कभी भी नाजिल नहीं किया है। मेरे दोस्तों, आज मैं आपके सामने में कुरान से दो चार बातें करेंगे। वो देखिए अल्लाह ताला क्या फरमाता है सूरह रहमान में। आ रहमान, मेहरबान अल्लाह, मेहरबानी करने वाला अल्लाह, उसने हमारे ऊपर क्या मेहरबानी किया? अल्लामल कुरान, कुरान सिखाया, ये बहुत बड़ा मेहरबानी है, ये बहुत बड़ा मेहरबानी है, क्योंकि कुरान सीखने से हमारा दुनिया का फ़ायदा है और आखिरत का भी फ़ायदा है। मेरे दोस्तों, दुनिया का फ़ायदा क्या है आज आपको समझने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज यूट्यूब का दौर है, फेसबुक का दौर है। हम यूट्यूब में फेसबुक में इतना कितना वीडियो देखते हैं, एक बच्चा रो रहा है, उसके सामने में कुरान तलावत किया जाता है, फौरन चुप हो जाता है, और एक बच्चा उसको एक पादरी के पास लाया जाता है, पादरी मालूम है क्रिश्चियन का जो धर्म जाजक होता है, उसके पास लाया जाता है तो उसका रोना और ज्यादा हो जाता है, बंद नहीं होता। मगर कुरान ऐसा एक किताब है, अगर उसको किसी बच्चा के सामने में पढ़ो रोना बंद हो जाता है। ये इसका दुनिया की फायदा है, सिर्फ एक नहीं, कुरान का हजारों फायदा है, मैं आपको क्या बताऊं। कुरान साइंस से बड़ा साइंस है, विज्ञान थे के बड़ा विज्ञान कुरान। कुरानेर भीतर विज्ञान समस्त तथ्य लुकिया आछे। एई जन्य इसलिए आज तमाम दुनिया में गैर मुस्लिम मुस्लिम हो रहा है। ऐसा नहीं है वो छोटा मोटा आदमी नहीं है, बहुत पढ़ा लिखा जानने वाला आदमी जो मुसलमान हो रहा है। मालूम है आपको, अमेरिका में यूरोप में जब तक बड़ा बड़ा आदमी मुसलमान हो रहा है,
वो सारे पुराण को लेकर रिसर्च करते हैं, पुराण के माना जानते हैं, माना पढ़ते हैं, उसकी तफसीर पढ़ते हैं। फिर जब उसके दिल में हक आ जाता है क्या है कुरान, ये अल्लाह का किताब है, तब मुसलमान बन जाता है। ऐसा हजारों हर दिन हजारों आदमी मुसलमान हो रहा है। तो मेरे दोस्तों, कुरान का बहुत फायदा है, आपको हम क्या बताएं। और देखो, एक माला अली कुर्दी जो इराका कुर्दिस्तान में रहता है, अल्लाह हुआ एक बार कुरान पढ़ के एक नाबीना अंधा आदमी को फूंक देता है, फौरन वो रोशनी चलाता है, देखने लगते हैं। अगर मालूम करना चाहते हो माला अली कुर्दी, ये लिखो, देखो यूट्यूब में लिख के साथ दो, उसका चैनल आ जाएगा, उसका वीडियो देखो। तो मेरे दोस्तों, कुरान का ऐसा फायदा दुनिया में है, कोई भी सख्त से सख्त बीमारी हो, मैं चैलेंज देता हूँ, जो बीमारी डॉक्टर अच्छा नहीं कर सकता, डॉक्टर जवाब दिया है 6 महीना 8 महीना 1 साल इलाज किया डॉक्टर के पास, अच्छा नहीं होता है, हमारे पास लेके आओ, हम इंशाल्लाह 1 दिन नहीं 10 मिनट से लेके 1 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटा लेंगे, हम इंशाल्लाह कुरान से उसका अच्छा कर देंगे। तो कुरान ऐसा किताब है मेरे दोस्तों। तो कुरान सीखने से क्या फ़ायदा होता है, एक फ़ायदा तो ये होता है दुनिया की तमाम मुसीबत दूर हो जाता है। कुरान में बहुत मुख्तलिफ सूरत है, आप पढ़ते रहो, अगर किसी को जिन्नत पकड़ता है, जिन्नत तंग करते हैं, घर में जिन्नत है, तो सूरह बकरा एक बार पढ़ो, तुम शुरू से लेकर आखिर तक एक बार पढ़ो, जिन्नत घर से भाग जाएगा। जो जिन्नत को तुम कोई चीज से भागा नहीं सकते, सिर्फ सवाए कुरान के, कुरान पढ़ोगे जिन्नत फौरन भाग जाएगा घर से, कुरान पढ़ोगे घर के अंदर से तमाम परेशानी दूर हो जाएगा, जो झगड़ा शहर के बीच बीवी के बीच जो झगड़ा है, या बेटा बाप के बीच जो झगड़ा है, उस घर में कुरान पढ़ो, एक हफ्ता पढ़ो, मैं गारंटी देता हूँ तमाम झगड़ा परेशानी दूर होके इंशाल्लाह अमन चैन आ जाएगा। तो कुरान पढ़ने से दुनिया का ये फायदा है, सिर्फ ये नहीं और बहुत से फायदा है जो हम आपको बता नहीं सकते। और कुरान सिर्फ इसलिए नाजिल नहीं हुआ कि तुम तलावत करोगे और ऐसा फायदा हासिल करते रहोगे, कुरान का सबसे बड़ा मकसद है तमाम दुनिया के इंसान को हिदायत देना, तमाम दुनिया के इंसान को हिदायत देना। इसलिए अल्लाह ताला फरमाया, क्या फरमाया, अल्लामल कुरान, अल्लाह ने कुरान सिखाया, लेकिन किसको सिखाया यह बोला नहीं, क्योंकि कुरान किसी देश के लिए, कोई मुल्क के लिए नाजिल नहीं हुआ, कोई सिर्फ मुसलमान के लिए नाजिल नहीं हुआ, बल्कि कुरान नाजिल हुआ इस दुनिया के तमाम इंसान को हिदायत देने के लिए। इसलिए अल्लाह ताला ने नहीं फरमाया कि मैंने कुरान सिखाया फुला को नहीं बोला। और कुरान मोहम्मद सल्लम के जमाना से लेकर क़यामत तक इंसान को हिदायत देते रहेंगे। तो इसलिए अल्लाह ताला किसी खास कौम, खास मजहब, कोई मुल्क का आदमी के लिए नहीं बोला कि हम कुरान नजर किया सऊदी अरब के लिए, ऐसा नहीं बोला, ठीक है। तो मेरे दोस्तों, तो अल्लाह ताला कुरान हमको सिखाया, खलकल इंसान, अल्लाह ने इंसान को पैदा किया, अल्लाह ताला पहले क्या फरमाया, मैंने कुरान सिखाया, बाद में क्या फरमाता अल्लाह ताला, जब हम इंसान को पैदा किया। मेरे दोस्तों, होना ये चाहिए था कि खलकल इंसान अल्लामल कुरान, कि मैंने कुरान सिखाया किसके लिए, हमने इंसान पैदा किया किसके लिए, कुरान सिखाने के लिए, ये क्यों नहीं बोला, पहले कुरान का जिक्र क्यों किया, इसलिए किया कि कुरान देखो अल्लाह का सबसे प्यारा चीज़ है। और बाद में फरमाया इंसान को पैदा किया, क्यों पैदा किया, कुरान को सीखने के लिए, सिखाने के लिए, कुरान पर अमल करने के लिए अल्लाह ने कुरान इंसान को पैदा किया। सिर्फ ये नहीं कि इंसान दुनिया में आए, खाए पिए, घूमे, आराम करे, आयश करे, मस्ती करे, इसके लिए नहीं,
अल्लाह का मकसद है तमाम इंसान कुरान की रास्ता पर चलेंगे, इसलिए अल्लाह कुरान सिखाया है। फिर अल्लाह फरमाता है अल्लामहुल बयान, अल्लाह ने उसको बयान सिखाया यानी बोलना सिखाया। देखो मेरे दोस्तों, इस दुनिया में सिर्फ इंसान बोल सकता है, इंसान के अलावा कोई बोल सकता है? बताओ, कोई नहीं अपना जबान से बोल सकता। तो अल्लाह का कितना बड़ा मेहरबानी है ये कि हाँ अपना जबान से बोल सकते हैं, अपना दुख दर्द बयान कर सकते हैं, तो ये बहुत बड़ा मेहरबानी है। तो इसका इसके लिए क्या करना चाहिए हम लोगों को? हमेशा अल्लाह की बोल बोलना चाहिए, सुबह शाम रात दिन हर वक्त जिक्र अज़कार करो, अपना वक्त बेकार मत करो और इधर उधर की बात मत करो। अल्लाह ने ये ज़बान दिया बोलने के लिए, तो बोलो तो अच्छा बोल बोलो, खराब बात मत बोलो और इससे अल्लाह का इबादत करो, जिक्र अज़कार करो, कुरान तलावत करो। अशम्सु वल क़मरु बिहुसबान, सूरज और चांद बिहुसबान हिसाब के साथ चलते हैं। जो सूरज चांद अल्लाह ने पैदा किया वो क्या करता है? हिसाब के साथ चलते हैं। उसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ अगर एक दिन बड़ा हो जाए, मानो कितना 12 घंटा है ना, अगर 14 घंटा हो जाए एक दिन बड़ा हो जाए और रात 2 घंटा छोटा हो जाए तो क्या होगा? गड़बड़ी हो जाएगा, निज़ाम में गड़बड़ी आ जाएगा, ठीक है। इससे इससे किसका नुकसान होगा? हम लोगों का, इंसान का नुकसान होगा। लेकिन अल्लाह ताला देखो जब से इस दुनिया बनाया तब से एक दिन दिन में 1 घंटा लंबा नहीं हुआ, ना रात छोटा हुआ, बराबर आहिस्ता आहिस्ता छोटा होता है, आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता है, अल्लाह का निज़ाम है। तो ये क्यों होता है? चांद और सूरज हिसाब के साथ चलते हैं इसलिए ऐसा होता है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह ताला चांद सूरज को हिसाब के साथ चलाते हैं, अल्लाह के जात है जिसने चांद सूरज को ऐसे हिसाब के साथ चलाते हैं मेरे दोस्तों। और इससे ये भी पता चलता है कि जब से चांद सूरज को अल्लाह ने पैदा किया तब से वो चल रहा है, एक दिन भी अपना काम में गड़बड़ी नहीं किया। हाँ भाई, 1000 साल पहले क्या ऐसा कोई इतिहास है क्या? 1000 साल पहले सूरज क्या हो गया था? खराब हो गया था, फिर इसको बॉम्बे के गैरेज में दाखिला किया, अच्छा किया, फिर चलने लगा, ऐसा कभी हुआ नहीं। बोल के जब से अल्लाह ने उसको पैदा किया तब से ऐसा चल रहा है। लेकिन इंसान जो कुछ बनाता है वो ऐसा नहीं होता। आज साइंसदान कितना अच्छा अच्छा चीज़ बनाते हैं, मशीन बनाते हैं, वो मशीन कितना ही मजबूत हो, 1 साल के बाद अगर खराब भी ना हो उसको कम से कम एक बार वायरिंग करना पड़ता है, उसको खोल के सब पार्ट्स को धोना पड़ता है, मुसना पड़ता है, फिर उसको लगाना पड़ता है, होता है ना। एसी देखो, एसी चलता है चलता है चलता है, खराब नहीं है, फिर भी क्या होता है, हवा कभी गर्म हो जाता है, हवा ज़्यादा नहीं आता, ठंडा नहीं आता, फिर क्या करता है हमारे भाई के पास लेके जाता है, भाई क्या करता है उसको खोल के उसको धोते हैं पानी से, धो के फिर फिटिंग करता है, फिर हवा अच्छा आ जाता है। लेकिन ये है इंसान का बनाया हुआ चीज़ का चीज़, उसको जितना मजबूत हो उसको क्या करना पड़ता है? कम से कम रिपेयरिंग करना पड़ता है। लेकिन अल्लाह की बनाई हुई चीज़, अल्लाह जो चीज़ पैदा किया है उसको रिफाइन नहीं करना पड़ता है। तो ये बात है मेरे दोस्तों, ज़्यादा लंबा हो रहा है। बारकल बिल्कुल नदीब होना फाना या कुन जिक्र हकीम ना हो ताला जाओ दुन करीम मालिक उन बर रऊफुर रहीम। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا رسوله اما بعد میرے دوستو تو میں آپ کے سامنے میں سورہ
आर रहमान से थोड़ा तर्जम और तफसील कर रहे थे, तो अल्लाह ताला क्या फरमाया, चांद सूरज के बारे में आप सुन लिया, आप चलो सामने में। वह नाजिम व शजर यसजुदान, वह नाजिम, नाजिम के माना है बेली, शजर के माना है पेड़। बेली किसको बोलता है, जो किसी पेड़ के सहारा इधर होता है, बेली देखा है बांग्ला में क्या बोलता है, लौता पता एवं वृक्ष, लौता पता एवं वृक्ष, ठीक है। बेली और पेड़ क्या करता है, यह जुदान दोनों सजदा करते हैं, किसको करता है, अल्लाह को करते हैं। लौता पता एवं वृक्ष अल्लाह के सजदा करे, बेली और पेड़ क्या करता है, अल्लाह को सजदा करता है। इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब आज अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब से हम देखते हैं ऐसे ऐसा जंगल है, जंगल में ऐसा पेड़ है, सजदा में है, देखा भाई कोई कोई फेसबुक में यूट्यूब में देखा, कोई बहुत आदमी देखा है, ठीक है। ये तो बिल्कुल जाहिरी माना है, जाहिरी माना है ये कि बेली और पेड़ क्या करता है, दरख्त अल्लाह को सजदा करता है। और दूसरा माना क्या है, अल्लाह तबरक ताला जितना पेड़ पैदा किया है, जिस पेड़ में हर एक, देखो दुनिया में आज 200 से ज़्यादा बीमारी है, 200 से ज़्यादा बीमारी है कम से कम, और हर बीमारी की दवा किसे बनता भाई, पेड़ों से, पेड़ या तो पेड़ की पत्ता से, फूल से, जड़ से, और कोई चीज़ से बनता है, ठीक है। तो अल्लाह तबरक ताला जिस बीमारी के दवा जिस पेड़ से बनता है, वो पेड़ शुरू से लेकर अब तक और क़यामत तक वही काम करते जाएगा, उससे वही बीमारी ख़त्म होगा, वो खाने से, वो उस दवा खाने से, ठीक है। ये ऐसा है जैसे कि अल्लाह को सजदा कर रहा है, अल्लाह ने उसको जो हुक्म दिया, अरे पैर तुमको अगर खाए पिए तो तुम उस बीमारी को अच्छा करो, अल्लाह ने हुक्म दिया, उस पर कुछ नहीं है, सिर्फ अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह हुक्म दिया वो खाने से अच्छा हो जाता है, और अच्छा होने में ये भी अल्लाह की हुक्म है, सिर्फ ये नहीं कि वो खाने से अच्छा हो जाओगे, अल्लाह ने हुक्म दिया खाओ अच्छा हो जाता है, अल्लाह की भी हुक्म होना होता है। इसलिए दावा दुआ दोनों चीज़ चाहिए, दावा दुआ, दावा भी खाओ और दुआ भी करो अल्लाह से। ओके भाई मैं ख़त्म कर देता हूँ भाई, ज़्यादा टाइम हो गया, कोरोना का टाइम है ना, इसलिए ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहिए, हमको बोल दिया। وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه وذكر أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله العظيم. اللهم بارك الله